नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्शन। एडवांस वी लुकअप एंड लुकअप मेथड की क्लास में हम आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बात करने वाले हैं। तो पिछले वीडियोज में आपको मैंने बताया था कि कैसे मल्टीपल शीट से हम इफ एरर लगा के करते हैं, तो इस एरर के जगह पे क्या कर सकते हैं आज इस चीज में डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस शीट अगर आपको चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको मेरा एक कोर्स दिखेगा। उस कोर्स में आपको सारी सिक्वेंसली वीडियो साथ में इसकी प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एक्सेल इमेज ट्रेनिंग ऐप का, उसमें आपको कोर्स दिख जाएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। Recording in progress. तो प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरे पास कई शीट में डेटा है और मुझे इस शीट से डेटा यहाँ पे लुकअप करना। अब मेरा डेटा कहाँ होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा डेटा मतलब कि जो नंबर ढूंढना चाह रहा हूँ इसकी शीट में होगा इसकी भी गारंटी नहीं। तो इसके लिए हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर 21 का लुकअप करना है, आप 21 हो सकता है शीट 2 में हो या 25 यहाँ पे सीट 5 में हो, तो ये जो आईडी है वो फिक्स नहीं है। तो कैसे, तो हमने यहाँ पे बताया था फॉर्मूला इफ एरर का। इफ एरर के अंदर में हम दो वी लुकअप लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये चीजें जो है जब ज्यादा शीट्स हो तो उसपे कंफर्टेबल नहीं होती है। ठीक है, एक दो शीट, दो या तीन शीट पे आराम से चल जाती है, लेकिन जब ज्यादा शीट्स हो तो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं दो शीट में लगाया, फिर तीसरे शीट के लिए फिर वी लुकअप, फिर इफ एरर और फिर वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो कैसे करें इसका, इसका जुगाड़ क्या हो सकता है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है, जिसको मैं हटाता हूँ, एक फॉर्मूला आता है वी स्टैक, वर्टिकल स्टैक उसको बोलते हैं, वी स्टैक। वी स्टैक फॉर्मूला क्या करता है कि जितने भी एक से ज्यादा शीट को आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर कॉपी किया, फिर तीसरे को सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट करके इस तरह सिलेक्ट कर रहा है। अब कॉमा देके मैं एंटर मारता हूँ, ये देखिए ये आपके सामने इस तरह कंबाइन हो जाता है। तो इसको वी लुक, अभी तो सर एक एक करके डालना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि मैं यहाँ पे वी स्टैक लगाऊंगा और पहले डेटा को, सीट के डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड के शिफ्ट की को प्रेस करूंगा और सबसे लास्ट में क्लिक करूंगा। यहां देख सकते हैं पूरा का पूरा इस तरह से सिंबल आ जाएगा कि D1 सीट से लेके D8 सीट। एंटर मारेंगे तो देखिए पूरा का पूरा ये डेटा आपके सामने। अब इसी डेटा को हम वी लुकअप में रख दें। कैसे, यहां लगाते हैं वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू 21 और जो डेटा रेंज है इसमें हमारा वी स्टैक का डेटा फॉर्मूला हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमा 2 कॉमा 0 कर देता हूँ, फिर नेम दे देगा। अब देखिए पूजा आ जाए, 23 करें 23, 24 करें 24, इस तरह से आ जाए, या फिर 41 100, तो जो डालेंगे सबका नाम और ये डेटा यहाँ से यहाँ तक के बीच में आना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके, अब जो नई सीट ऐड करेंगे इन दोनों के बीच में ही ऐड करेंगे, अगर इससे बाहर ऐड करेंगे तो कंसिडर नहीं करेगा। तो ऐसा है तो पहले से पे स्टार्ट, दूसरे को एंड कर ले और फिर सिलेक्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरे में करना है, फिर कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट केट से थोड़ा सा और आसान कर। तो यहाँ हम वी स्टेक का जो फॉर्मूला है ना उसको कॉपी कर ले, यहाँ सिलेक्ट करके कॉपी कर। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे किसका, लेट, LET, लेट। लेट में हमने बोला कि जो डेटा है उसका नाम DT लगेगा और हमने वी स्टैक का डेटा यहाँ डाल पेस्ट कर, और यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला अपना वी लुकअप। वी लुकअप, वी लुकअप में मैंने बोला कि मुझे इसको लुकअप करना है किसके अंदर, तो DT के अंदर, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले का नाम DT रख दिया है लेट, लेट की मदद से। अब यहाँ पे मुझे इसका कॉलम नंबर भी चाहिए, तो हम या हमारे पास एक
चूज रो आता है, यहां मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और मैच के फॉर्मूले में मुझे इस नेम को मैच करना है, और इसमें यहां देखिए हम चूज चूज रोज, हम क्या करेंगे चूज रोज। अब इस चूज रोज में हम देंगे डीटी और हम मुझे पहला नंबर रो ले लेंगे, क्योंकि हेडिंग हमारा पहले नंबर रो पे है ना, तो इस जैन को डेटा की पहले नंबर रो की हेडिंग पे वो मैच करेगा और मैच करके उसका कॉलम इंडेक्स नंबर फिर यहां पे जीरो कर, सिंपल। अब एंटर प्रेस कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया। अब आगे ड्रैग करना है तो दो तीन चीजें आपको मर्ज करनी पड़ी, ए जो आ रहा है A1 से A21 इसको कर दीजिए फ्रीज, A2 के A को कर दीजिए फ्रीज और यहां B1 को कर दीजिए फ्रीज, बाकी कुछ फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको हेडिंग को ढूंढ कर कई सारे शीट से डेटा निकाल के देता है। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इसमें मेन जो फॉर्मूला है वो है वी स्टैक फॉर्मूला। क्या है वी स्टैक फॉर्मूला। अब इस वी स्टैक फॉर्मूले को फिल्टर के साथ और बाकियों के साथ भी की जा सकती है, वो हम आगे के एग्जाम्पल समझाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कीजिए और अपना ट्राई करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिए। मेरा नंबर मैं स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।